हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आप लोग के इसके हेल्थ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांत के बारे में, दांत खुजली के बारे में। दोस्तों, अगर आपको दांत खुजली है तो दोस्तों आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए और मेरा चैनल इसके हेल्थ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम दांत के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जानते हैं इसके कारण दांत के। दोस्तों, यह फंगस रोगाणु के कारण होने वाला त्वचा रोग है। यह अपच, मलेरिया, जिगर की खराबी और स्नान न करने तथा गंदे वातावरण में रहने के कारण ये रोग हो जाते हैं। दोस्तों, अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि इसका लक्षण क्या है। दोस्तों, यह त्वचा पर छोटी छोटी गोल फुंसियाँ जैसी दिखाई देती है और उस भाग में लाली तथा खुजली होने लगती है। त्वचा मोटी और शुष्क हो जाती है तथा त्वचा उभरने लगती है और दांत फैलने लगता है। यह रोग अधिकतर पसीना, ज़्यादा पसीना आने वाला अंगों में उचित सफाई न करने पर होता है। जांग, जैसे जांग, गला, दाढ़ी, सिर और जोड़ों वाले स्थान पर अधिक होता है। दोस्तों, अब इसके उपचार के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, इसका उपचार नंबर, टिप्स नंबर फर्स्ट। दोस्तों, गन्ने के सिरके में चुटकी पर फिटकरी मिलाकर दांत पर लेप करें, आपका दांत खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पर गन्ने के रस दिख रहा है और फिटकरी दिख रहा है। इसको फिटकरी को चुटकी पर गन्ने के रस में छोटे से रखना है, उसको अपने दांत के स्थान पर लगाना है। इस तरह से आपका दांत 5 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब टिप्स नंबर 2 पर चलते हैं। दोस्तों, आपको गौमूत्र में फिटकरी मिलाकर दांत पर 3 बार लेपन करना है, आपको दांत इससे 7 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर गौमूत्र अर्क दिख रहा है, गौमूत्र आपको एक साधारण दिख रहा है और आपको फिटकरी दिख रहा है। गौमूत्र में थोड़ा सा आपको फिटकरी रखना है, फिटकरी को वे भस्म में रखना है और अपने दांत के स्थान पर इसको 3 में 3 बार लगाना है। इस तरह से लगाने से आपको दोस्तों दांत 7 दिनों में 100% ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर 100% सही ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल स्कल्प को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।